एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज है 26 मार्च और अभी सुबह का ये व्लॉग मैंने शूट किया है। तो अभी देखिए, मैं प्याज काट रही हूँ और अभी दिन के लिए खाना और नाश्ता बन रहा है। तो आज मैं बनाऊँगी बंद गोभी, जो होती है ना पत्ता गोभी, उसकी सब्जी। तो प्याज देखिए मैंने काट ली और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला हुआ था ऑलरेडी। और जो ये गोभी है इसको भी मैंने कट लिया है और साथ में आलू जो है उनको भी काटा हुआ है। एक साथ इनको मैं धो के निचोड़ के एक साइड में रख रही हूँ। तो अभी सुबह के टाइम ना नाश्ता वगैरह इससे हो जाएगा और वैसे ये दिन को भी हो जाएगी। तो हमारे ज़्यादातर गांव में ऐसे ही होता है ना, हम सुबह ही बना देते हैं दिन का खाना भी। तो उसके बाद देखिए, प्याज होने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी डाली है। अभी मेथी मैंने बाद में इसलिए डाली क्योंकि मेरे पास मेथी आजकल जो है वो पिसी हुई है। और उसके बाद मैंने इसमें धनिया और लाल मिर्च और हल्दी, जो कॉमन से हमारे मसाले हैं, वो डाल दिए हैं। तो बस अभी इसको थोड़ा सा भूनूंगी मैं लगभग 10 सेकंड के लिए, और उसके बाद ये जो गोभी है इसको मैं इसमें डाल दूंगी। तो बस ये देखिए, पत्ता गोभी काफ़ी टाइम बाद आज हमारे किचन में बन रही है। बहुत कम बनाते हैं हम इसको, फूल गोभी तो काफ़ी बनती रहती है। तो लास्ट में देखिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो इसको धो के मैंने साइड में इसलिए रखा था क्योंकि आपको पता है कि पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, तो इसको इस तरह से रखना होता है। तो बस चपाती और ये गोभी ये हमने नाश्ते में खाया था। और चपाती बनाते मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि रोज़ बनाते हैं, मतलब वो तो रोज़ ही क्या दिखाना। तो कभी कभी तो अच्छा लगता है, हमेशा देख के आप ही बोर हो जाएंगे। तो बस देखिए, सब्जी को इसको ना अच्छे से इसमें हमें इसको अलट पलट के नमक को और मसालों को मिक्स करके और फिर इसको पकने दिया मैंने। और किचन का सारा काम निपटा के उसके बाद मैं लग गई थी आज क्लीनिंग में। तो आपको पता है कि जो अच्छे अच्छे बार होते हैं ना, जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ऐसे में कपड़े वगैरह धोती हूँ तो बहुत सारे हो जाते हैं धोने को। और अभी देखिए दिन का टाइम है, ये दिन तो क्या मतलब 11 के बज चुके हैं और हम गए थे घूमने कहीं, वहाँ के भी थे कुछ इकट्ठे हुए हुए। तो धो लेती हूँ मैं इनको। तो जैसे जो कोई आने जाने के कपड़े होते हैं ना, उनको ज़्यादातर हैंड से, हाथ से ही वॉश करती हूँ मैं। और वैसे तो मशीन में भी धो देती हूँ जब टाइम नहीं होता है तो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत टाइम हो तो हाथ से भी धो देती हूँ। और यहाँ पे घर के पास ही मैं साइड में देखी, यहाँ पे छाँव में बैठी हुई हूँ क्योंकि धूप जो है दिन में काफ़ी तेज़ होती है तो सहन नहीं होती है इतनी। और अभी देखिए, यहाँ पर कुछ अपने थे, कुछ बच्चों के थे, तो इनको मैं यहाँ पे हैंड से ही वॉश करूँगी अभी। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे चैनल पे आपको डेली व्लॉग्स, विलेज लाइफ व्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे, साथ में होम रेमेडीज़ भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। तो प्लीज़ जो कोई भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जो आता है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, मैं तो इसी तरह से धोती हूँ कपड़ों को, जो थोड़े साफ़ साफ़ कपड़े होते हैं ना, नए वाले कपड़े होते हैं उनको पहले धो लेती हूँ और फिर जो हमारे घर में पहनने वाले होते हैं, जो डेली पहनते हैं हम, मैले होते हैं बहुत ज़्यादा वो, तो उनको बाद में धोती हूँ फिर। तो इस तरह से फिर कपड़े अच्छे से साफ भी हो जाते हैं और मैल जो है ना वो फिर नए कपड़ों में भी नहीं लगता है। तो पहले तो 5 मिनट तक देखिए इस तरह से करती रहूँगी मैं इनको, क्योंकि इससे फिर अच्छे से झाग भी बन जाती है और आधा मैल ऐसे ही निकल जाता है कपड़ों का। तो अभी यहाँ पे मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। और क्लीनिंग एक बहुत ही बड़ा काम होता है डेली का हमारे, देखिए मतलब डेली मैं नहीं धोती कपड़े, मैं एक दिन छोड़ के ही धोती हूँ। जैसे मंडे को धोएंगे, फिर ट्यूसडे को नहीं धोएंगे, वेडनेसडे को धोएंगे। तो हमारे यहाँ पे गांव में तो ऐसी मान्यता है और पुराने टाइम से लेके ऐसा ही है कि मंगलवार को और वीरवार को कपड़े नहीं धोने, सिर नहीं धोना। तो हम तो अभी तक ऐसे ही मानते हैं। और आपके किस तरह से करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना मुझे ज़रूर बताइएगा।
मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों के कमेंट पढ़ने को, और प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस में क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, ये भी बताइए, तो जिससे कि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं अपनी वीडियोस में। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो वॉच ही नहीं करते, कई बार तो ना वीडियो बनाने का ही मन नहीं करता है, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत लगती है ना गाइस वीडियो को बनाते और उसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और जब हम वीडियो डालते हैं ना तो हम सोचते हैं कि हाय अब देखिए कम से कम 2000 सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं, तो कम से कम 500 व्यू तो एक वीडियो पे आने ही चाहिए हफ्ते भर में। लेकिन अगर देखिए तो 100 110 150 सबसे अगर ज़्यादा ही हो जाए तो 200 तक पहुँचती है वीडियो, इससे आगे जाती नहीं है जो डेली व्लॉग्स हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो वॉच किया कीजिए, जब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो वीडियो भी वॉच किया कीजिए, नहीं तो फिर हमें उसका बेनिफिट इतना नहीं मिल पाता है सब्सक्राइब करने चैनल। और जो मेरा आजकल वॉच टाइम आ रहा है ना वो 73% उन से आ रहा है जो सब्सक्राइबर नहीं हैं, उन्होंने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन वो मेरी वीडियोज़ को डेली वॉच करते हैं। तो उन लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए मैंने इनको ना सर्फ जो होता है डिटर्जेंट उस वाले पानी में अच्छे से वॉश कर लिया, और उसके बाद अभी मैं लग गई हूँ इनको साफ़ पानी में धोने के लिए। तो साफ़ पानी में धोने का भी वही प्रोसीजर होता है मेरा, सबसे पहले मैं जो साफ़ कपड़े होते हैं उनको कर लेती हूँ, उसके बाद जो थोड़े मैले होते हैं उनको कर लेती हूँ, तो इस तरह से फिर अच्छे से हो जाते हैं कपड़े साफ़। और मैंने देखा है इस तरह से करने से ना पानी की भी बचत होती है, पानी भी कम लगता है कपड़े धोने को। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं इनको निकाल लेती हूँ इस तरह से, और कपड़े धोने का काम जो है वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क होता है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं हों तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं तो बहुत घिस घिस के तब तक करती रहती हूँ साफ़ इनको जब तक ये अच्छे से साफ़ नहीं होते। तो अभी इनको मैं कर लेती हूँ अच्छे से साफ़, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा गाइस। तो अभी कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे काउ शेड में। देखिए पशुओं को बहुत ज़्यादा धूप लग गई है, 11 बज गए हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। इस टाइम मम्मी तो पिला देते थे पानी। हाँ जी, और मेरी नैनू भी आ गई है। हेलो नैनू, ये गई थी आज आंगनवाड़ी घूमने। इन बच्चों ने परेशान किया आपके बच्चे को? मेरे अच्छा मेरे बच्चे को परेशान करते हैं ये? अच्छा ठीक है, आप देखो परे हमाम जला हुआ है, जरा नहाते हैं ठीक है। हाँ भैया को भी नहलाएंगे। तो अभी मैं पानी पिला लूँगी पशुओं को। अभी नहीं पापा ये मम्मा बांधनी नहीं पा रही आपको, तब तो ये आपके बच्चे को ऐसे कुछ कुछ मार देगी ना। तो तब तक पानी की तो देखिए गाइज अभी कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं आ गई थी काउ शेड में। तो 11:30 हो चुके हैं, और आजकल ना धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और भैंस को बहुत प्यास लग रही थी। अभी मम्मी घास लेके पहुँचे नहीं है, तो वो भी आने वाले हैं बस, और मैंने सोचा फटाफट से पानी पिला लेती हूँ पशुओं को, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप, और जब एक जगह खड़े बंधे रहते हैं ना पशु तो इनको बहुत ही ज़्यादा धूप लग जाती है, बेचारे क्या करें। और मैंने बस सार्थक को अभी पीछे छोड़ा था पार घर में, और इधर आ गई थी फटाफट से, थोड़ा सा भैंस को नहलाने लग गई थी, क्योंकि भैंसों को नहाने धोने का ज़रा ज़्यादा ही होता है कुछ, तो इनको इस वजह से ना फिर धूप भी नहीं लगेगी ज़्यादा।
भैंस को क्या है ना कि भैंस को धूप बहुत ज़्यादा लगती है, इसकी जो चमड़ी होती है ना वो सॉफ्ट होती है बहुत, मतलब गायों के मुकाबले भैंस को ज़्यादा धूप लगती है और ठंड भी ऐसे ही ज़्यादा लगती है भैंस को। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा नहला दिया था, तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं घिस घिस के नहलाऊँ, थोड़ा सा नहला दिया था। और उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे गाड़ी आई थी आंगन में, तो ड्राइवर है ये जो अभी हमारा यहाँ पे पिकअप का, वो इसमें हमने लाया था घर का कुछ सामान था लाया हुआ, तो उसको अभी उतारेंगे यहाँ पे। बच्चे भी देखने के लिए आ रहे थे इधर उधर से, तो थोड़ा थोड़ा करके हम घर का काम जो है वो फिर से कर रहे हैं शुरू, जैसे जैसे टाइम लग रहा है और जैसे जैसे सब कुछ सिचुएशंस ठीक हो रही हैं, तो वैसे वैसे हम थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं घर का। अभी पूरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई मकान नहीं होते हमारे गांव के, लेकिन जैसे भी होते हैं तो वैसे घर का काम धीरे धीरे चला हुआ है। और बच्चे भी देख रहे थे कि क्या इसमें लाया हुआ है, तो थोड़ा सा सामान था यहाँ पे, एक दो गांव के बच्चे भी आ गए थे यहाँ पे देखने के लिए। तो ये फैसिलिटी तो हो गई है हमारे गांव में यहाँ पे, अब की जो सड़कें हैं वो घर घर तक पहुँच चुकी हैं, तो अब ढुलाई नहीं पड़ती है इतनी ज़्यादा, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा लेबर पड़ती थी, अब गाड़ियाँ जो है वो घर तक पहुँच जाती हैं आंगन तक हमारे यहाँ पे। तो बस अभी यहाँ से देखिए उतार के सीधी अंदर ले जा रहे हैं, और बस अभी दिन तक का मैंने यही शूट किया था, तो ये मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए गाड़ी के अंदर दिखा रहे थे यहाँ पे, और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के बाद का, दिन के बाद का जो ब्लॉग होगा वो मैं आपसे कल शेयर करूँगी, और कल मुझे हेयर वॉश का भी शेयर करना है जो मैंने आफ्टर हिना पैक हेयर वॉश किया था, तो कल मैं वो शेयर करूँगी आपके साथ, और कुछ आधे दिन का ब्लॉग भी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलूँगी आपसे कल के ब्लॉग में। बाय बाय।